प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खट्टा अचार बनाना बताएंगे। तो हमने इस तरीके 500 ग्राम आम ले लिए हैं, 200 ग्राम गुड़ ले लिए हैं, मसालों में एक बड़ा चम्मच धनिया ले लिए हैं, एक बड़ा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच राई है, आधा चम्मच मंगरेल है, आधा चम्मच पंचफोड़न मसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम आम को काट लेते हैं। तो आम काटने के लिए हमने इस तरीके आम काटने वाला ले लिया है। ये देखिए बिल्कुल हरा ताजा आम है, तो हम इसे पतले पीस में काट लेते हैं। बहुत ही सावधानी से काटिए आम, नहीं उंगली कटने का चांस रहता है। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी आम कट रहा है। अगर आपके पास इस तरीके आम काटने वाला ना हो तो मार्केट में बहुत ही आसानी से आम बेचने वाले भैया काट देते हैं, उसका अलग पैसा लेते हैं काटने का। हमारे पास है आम काटने वाला, इसलिए हम घर ही पर काट कर बनाते हैं। तो सभी आम हमने इस तरीके पतले पीस में काट लिया है और आम की जो झिल्ली होती है पन्नी टाइप में, तो उसे निकाल लेते हैं और छिलका निकाल लेते हैं छिलना की सहायता से। ये देखिए तो सभी आम का बीज पन्नी निकाल कर छिलका निकाल कर तैयार कर लेंगे इस तरीके। तो सभी आम का छिलका उतार दिया है हमने और बीज भी बढ़िया से निकाल दिया है। गुड़ को छोटे टुकड़ों में इस तरीके महीन कर लिया है। तो सबसे पहले हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को हल्का रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का से ही रोस्ट करना है। मसाला हल्का रोस्ट हो गया है, मसालों में से खुशबू आने लगी है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। अब हम वही कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम आम डाल देते हैं मीडियम हाई फ्लेम में, इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। आम को हमें इतना भूनना है कि जब तक आम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम आम भूनेंगे। तो इस तरीके हम अलटते पलटते आम को बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए आम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। फ्लेम लो कर देते हैं। अब हम गुड़ डाल देते हैं, गुड़ को पिघलने देते हैं और हम पानी नहीं डालेंगे। गुड़ बढ़िया तरीके से पिघल रहा है, गैस का फ्लेम लो किए हैं। तब तक हम मसाले दरदरा पीस लेते हैं। मसाले हम ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। तो फ्लेम हमने बंद कर दिया है, आम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो अब हम मसाले डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक छोटा चम्मच कूटी हुई मिर्च डाल देते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरीके मिला देते हैं और मसाला आप तब डालिए जब आम बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब डालिए, तभी हमारे अचार टिकाऊ रहेंगे, महीनों तक आप स्टोर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो खट्टा मीठा अचार बनके तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यह अचार जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है उससे कई गुना खाने में टेस्टी बना है। अगर इस अचार को आप बाहर रखेंगे तो करीब 3 से 4 दिन तक खाएंगे और फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीना तक स्टोर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।